हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज सीमा सुरक्षा बल क्षेत्रीय मुख्यालय बाड़मेर प्रांगण में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्रालय एवं 50वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के 18 अधिकारी एवं 56 अधीनस्थ अधिकारी अन्य कार्मिकों के साथ साथ BSF BWWA की महिला सदस्यों द्वारा भी योग अभ्यास किया गया। इसमें मुख्य रूप से क्षेत्रीय मुख्यालय सी सुबल उप महानिरीक्षक श्री विनीत कुमार, श्री नरेश चतुर्वेदी कमांडेंट 50वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल, श्री युवराज दुबे कमांडेंट क्षेत्रीय मुख्यालय बाड़मेर उपस्थित रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उप महानिरीक्षक ने कहा कि विश्व भर में योग के विशेष शांति लाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष तौर पर 2014 में प्रयास किए, जिसके उपरांत भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र में 27 दिसंबर 2014 को योग की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने हेतु प्रस्ताव और कायम्बित किया गया, जिसके फलस्वरूप 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग को मान्यता मिल गई। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसमें पूर्ण विश्व भर के करोड़ों लोगों ने भाग लिया, जो कि एक रिकॉर्ड था। योग व्यायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। नियमित योगाभ्यास न केवल व्यक्ति के मानसिक सकारात्मक में वृद्धि करता है, बल्कि आसपास के वातावरण को भी शांति बनाए रखता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सीमा सुरक्षा बल में बी विद योगा बी एट होम के टीम पर पूरे भारत में पाकिस्तान एवं बांग्लादेश बॉर्डर पर मनाया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल में आज लगभग 5000 से ज्यादा योगा ट्रेनर उपलब्ध हैं, जो कि विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षित हैं। आज सीमा सुरक्षा बल में सब यूनिट लेवल तक कम से कम एक योगा ट्रेनर उपस्थित है। सीमा सुरक्षा बल अभी तक 2 बार ऑल इंडिया पुलिस योगा प्रतिस्पर्धा जीत चुका है, जो कि योगा के प्रति सीमा सुरक्षा बल के संजीदगी को जाहिर करता है। मैं कामना करता हूँ कि सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ हमारे देश की जनता नियमित रूप से योगा करे तथा वर्तमान में फैले विश्वव्यापी कोरोना महामारी का सामना कर पाए तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत करे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।